चला भी नहीं जाता, वॉकिंग करो। ये देखो मेरे कैसे बनाया है। आपको पता है जिंदगी में धर्म संकट क्या होता है? आप मतलब ऐसे ही टैलेंटेड थे कि बाद में हुए हो। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू अनदर पिज्जा अनदर वीडियो। आज तो पता नहीं कितने दिनों बाद हम सालों बाद पिज्जा लिया है आज। ये हम आए हैं स्विमिंग से। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ऑफिस से आते हैं, पिछले चार दिन से हम लगातार आ रही है कि ना, दो हफ्ते की लगातार स्विमिंग क्लासेस थी, तो वही कर रहे थे। आज थर्सडे का दिन है और हम आए हैं ऑफिस से घर। और ना पिज्जा इसलिए लिया है, उसके दो कारण है। एक, आर्या ने बड़े दिन से पिज्जा नहीं खाया। दूसरा कारण, नानू नानी को हमने पिज्जा ट्राई नहीं कराया। वो जब भी कनाडा आते हैं, लास्ट ईयर जब आए थे तो दे लव्ड पिज्जा यहाँ का, तो वो इंडिया में इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं मेरे को तो इंडिया का बिल्कुल नहीं पसंद आता, सॉरी इंडिया पीपल, बट आई विल हेट दैट बिकॉज़ इट हैज टू मच चीज इन इट। यूज टू बच्ची यहाँ की है, तो इसलिए इसको इंडिया पे नहीं अच्छा लगा। दुबई में भी नहीं अच्छा लगा, हमने ट्राई किया था। तो ना वो नानू नानी को भी यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, तो हमने कहा चलो आज इनको पिज्जा खिलाते हैं। गिनती के कुछ दिन रह गए हैं, तो अब लगता है कि यू नो द काउंटडाउन हैज बिगन। तो हमें लगता है ये भी खिलाए एक दिन, फिर थोड़ा एक दिन फिर घर का खिलाओ, फिर अगले दिन फिर से बाहर का खिलाओ। चीजें रह गई है ना काउंटडाउन में खत्म होने से पहले, वी वांट टू फीड देम, हर चीज का स्वाद लेके। मतलब पिछले कितने दिनों से एवरी ऑल्टरनेट डेज वी आर गेटिंग पापा के लिए आइस्ड कॉफी, मम्मी के लिए जो मम्मी को ठंडी ड्रिंक पसंद है, वी ट्राई टू अकोमोडेट। थोड़े से दिन है यहाँ की डेलिकेसी ट्राई ना करवाए तो मजा क्या। उनको ना एक्चुअली आइस्ड कॉफी बड़ी पसंद है पापा को यहाँ की, टिम हॉर्टन की, और मम्मी को वो जो क्वेंचर्स आए नए इनके ना टिम हॉर्टन, तो बड़े अच्छे हैं। तो वही सब आजकल वही बात है कराए। और आज ना दूसरी बात और है, टेम्परेचर देखो, आज का टेम्परेचर है 36। सो 36 डिग्रीज आज सबसे गर्म दिन है अब तक। आज मैं बाइक चला रहा ऑफिस से घर आते हुए, तो गर्म हवा मुंह पे पड़ रही थी। मतलब ऐसा मैंने अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म दिन है, और आज ही है। अगले 15 दिन का मैं जब देखता हूँ फोरकास्ट, तो अब कम होना शुरू हो जाएगा कल से, लेकिन टुडे इज द हॉटेस्ट डे सो फार। हॉट इज स्टिल गुड, एसी चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। स्नो इज लाइक बाहर कदम तक रखने का मन नहीं करता, लेयर्स 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 पहन के रहो, तो वी विल टेक हॉट एनी डे ओवर कोल्ड। बट ना कंफर्टेबल टेम्परेचर जो होता है ना, वो तो पता ही है आपको, वो है 24 डिग्री बड़ा कंफर्टेबल होता है, और वो कल से वही होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज गुड। चले हम घर चले फटाफट, नहीं तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ना हमेशा वेजी ज्यादा एंड एक्चुअल नूडल्स जो है वो कम, सो दैट्स हाउ वी ईट। वी लाइक टू ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोडेड वेजी वाले नूडल्स। भाइयों बहनों, गर्मी इतनी है, अंदर घर में इतना ठंडा लग रहा है, अच्छा अच्छा। और सिर्फ पिज्जा नहीं है, नेहा जी आज फॉर्म में है। नेहा आज ऑफिस से भी होके आई है, मैं तब भी कह रहा हूँ कि रहने दे बेशक, क्योंकि आदत नहीं रहती ना बंदे को ऑफिस जाने की। कुछ नहीं है, हमें बहुत आदत है। एक टाइम तो ऑफिस से आके भी कुकिंग होती थी, आजकल तो चलो रब दा शुक्र थोड़ा आराम है। इतनी सब्जियाँ, ये क्या बन रहा है आज? पापा ने काट दी तो मैंने कहा यूज कर लो सारी, इतनी सारी काट दी। तो आज नूडल्स बन रहे हैं, वेजिटेबल नूडल्स, आपको तो पता है हमारा फेवरेट। और पिज्जा ये पड़े हैं, मैं जा रहा हूँ कपड़े बदलने फटाफट, बहुत गर्मी है। तो बर्तन छोटा पड़ गया ना, मैंने ज्यादा कर लिए हैं वेजेस, बट वील मैनेज। मैं घर आई, पापा ने सारा डूंगा वेजीज का काट के रखा हुआ था, तो बहुत आसान हो जाता है फिर बनाना। शकल देखो, नूडल्स की शकल, ओए होए होए, क्या बना दिया, क्या बना दिया नेहा। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती कि आप मतलब ऐसे ही टैलेंटेड थे कि बाद में हुए हो मेरे से मिलने के, मेरे से मिलने के बाद। किसी के प्रेशर में, किसके प्रेशर में, वो खाता नहीं था कुछ और, तो फिर बर्थडे आने वाला है थोड़े दिन में। कोई बात, एवरी ईयर आता है। थोड़ा शेक करना था उसको, पहले ये मम्मी को ना पल्पी ऑरेंज पसंद है, पल्पी
यहाँ पे वैसा पल्प तो नहीं आता जैसे इंडिया में मिनट मेड आता है, लेकिन ये विद पल्प है ओएसिस का। सो आई होप नो शुगर एडेड लिखा है। सो आई होप दे लाइक इट। हमारा मन करता है कि हम ना सब कुछ उनको खिला पाए जो हमें स्वाद लगता है और हमें लगता है उनको स्वाद लगेगा। तो देयर इज लाइक अ बिग लिस्ट और टाइम कम है, तो हमें लगता है सब कुछ खिलाएं बट फिर बैलेंस भी रखें कि घर का भी खा पाए, पेट ना खराब हो। अब काफी कुछ था, पिज्जा आ गया, लेकिन साथ में पिज्जा मेनली आर्या के लिए और मम्मी पापा के लिए ही आया है। हम लोग तो ये भी खा लेते तो, लेकिन फिर मौका बन नहीं रहा कि कब खिलाएं ना सामान उनको। सामान खिलाने वाला ज्यादा है, दिन कम है, दिन कम रह गए हैं। आप ये आर्या का, ये हमारा है वेजी, दैट्स वेजिटेरियन ही हमारा। ये पहले खाते हैं वो ठंडा हो जाएगा। ये वेजिटेरियन है, ये नहीं, ये मम्मी पापा का, ये वेजी ये है टोटल, ये मम्मी पापा का है तंदूरी चिकन, और ये बच्ची का है। सब पर डल गया हमारा, देख लो, टू स्लाइसेस ऑफ वेजिटेरियन पिज्जा एंड वेजिटेबल नूडल्स। हम पता नहीं कितने टाइम बाद, बहुत टाइम बाद छोड़ दिया था। हम लोग ट्रिप पे भी गए थे जब, तब पिज्जा नहीं खाया, कम खाते थे। हाँ, पिज्जा नहीं खाया, और हमने तो पूरा पूरा शाम सिर्फ कॉफी पे निकाल लिया कभी कभी। अच्छा है ना, डाइट पेप्सी पी लूंगा मैं, मेरे लिए तो वाटर है। नया ना इतनी बननी है, अभी कहते कहती है मम्मी वो आवाजें मार रही है, आ जाओ उनकी ना पेट पड़ी है, पिज्जा ठंडा हो जाएगा। मम्मी कहती है मैं बाथरूम तो हुआ हूँ, कहते नहीं जाना बाथरूम, पहले गा लो। अरे बाथरूम रोक के बंदा चाहे ठंडा हो जाए, नहीं खाना खाना जरूरी है, बाथरूम जाए बाद में, बाथरूम जाए बाद में, खाया नहीं जाएगा, खाया जाएगा, आप आ जाओ। मम्मी की बात, मम्मी कह रही खाया नहीं जाएगा। हमारे घर ऐसा होता है। आपको पता है जिंदगी में धर्म संकट क्या होता है, जब नूडल्स और मटर वाले चावल दोनों साथ में पड़े हो, दैट्स कॉल्ड धर्म संकट। क्या खाओ क्या छोड़ो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये कल बने थे तो ये खाओ, फिर कल ये खा ले। नहीं, मैं पहले ये खत्म करूंगा, फिर थोड़े से चावल लूंगा, दैट्स इट, दैट्स व्हाट माय सपर विल। कैसा है पिज्जा पापा? अच्छा है ना, चिकन तंदूरी है ना इनका, मेरा भी चिकन तंदूरी है, इसका भी चिकन तंदूरी टॉपिंग है, मम्मी पापा की भी चिकन तंदूरी, हमारा ये पूरा वेजिटेरियन है। लेफ्ट ओवर पिज्जा हो रहे हैं लंच के लिए पैक, बंटवारा किसके किसका, सबने दो दो स्लाइस बचा लिए हैं अपने कल के लिए। आर्या के तो आर्या के चार स्लाइस पड़े हुए हैं, इसका बड़ा पिज्जा था, इसका मैंने बड़ा लिया था सबसे, क्योंकि हाँ जी दोनों हमारे भी दो हैं, मेरे भी दो बच्चे, आज नेहा के भी दो कल खा लेंगे। ऊपर में सारा चेंज हो गया पिज्जा, हाँ बहुत ज्यादा दिन के बाद खाया हमने। हाँ। नहीं, हमने अब ना दिन कम रह गया तो हमें लगता है कि हम आपको सारा कुछ खिलाएं, जो जो चीजें रहे, जो चाहे पेठा खाओ, रसमलाई भी पड़ नहीं नहीं कोई डब्बा खुल जाता है फिर खाना पड़ता है। हाँ, दोनों खिला दो, मम्मी तो पेठा खा ही लेगी, मम्मी के पेठा तो आगरा का पेठा, तेरे नाम के क्या ये? ओ टैटू, ये देखो ये, ये देखो मेरे क्या बनाया है, नानी को टैटू, नानी को टैटू लगा दिया, क्या बना दिए। और आजकल एक्चुअली तो आजकल ना एक्चुअली आर्या मम्मी को सिखा रही है फोन ऑपरेट करना, कैसे कैसे वॉलपेपर बदलना, पिक्चर्स लेना, वीडियो बनाना, तो ना पूरी पूरी ट्रेनिंग हुई है, और मम्मी ने पूरा जो बुक बना के लिखे हैं नोट्स जो आर्या ने सिखाया है। और दूसरी बात पता क्या है, अब ये कल इसका कल मम्मी का लेने वाली है टेस्ट, और कैसे मम्मी कहती है कि अब मेरे को गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ये मेरी गुरु है और मैं इसकी शिष्य है। मैंने आर्या को बोला बेटा अंगूठा ना मांग लियो। मम्मी कहते द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा ना मांग लेना भाई। मोबाइल कैसे करोगे ऐसे, वो देखो सनसेट होने में लगा हुआ है, इतना प्यारा, इतना नाइस। अब जाके स्प्रिंकलर खुले हैं लोगों के, इतनी गर्मी थी ना सारा दिन, शाम को खुले हुए हैं, देखो जब हवा चलती है ना तो स्प्रिंकलर ऑन करने चाहिए। और हम लोग चल पड़े हैं वॉक पे, हमारी आफ्टर सपर वाली वॉक। जस जी नहीं आए क्योंकि वो सबको एडिटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में तो देखते 12 बजे तक ढाबे और वो खुले रहते हैं, सब खुले रहते हैं। मम्मी और कह रहे हैं, हम अभी वॉक पे चल रहे थे तो मम्मी और कह रहे हैं कितना ज्यादा यहाँ पे सब कुछ अर्ली होता है एंड सब कुछ टाइम से खत्म भी होता है, सुनसान हो जाता है शाम वेले तो, विच इज यू नो द नॉर्म हेयर, यहाँ पे ऐसे ही होता है सब कुछ।
वीकेंड्स आर लिटिल हैपनिंग, बट मम्मी कह रही जैसे दिल्ली में तो 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, ढाबे खुले रहते हैं, मॉल्स, लेकिन लोग शाम को ही जाते हैं समर में. सो यू नो एवरी जगह की अपनी अपनी तरीके होते हैं, यहाँ का अलग तरीका है. आरिया वो वहाँ पे खेल रही है, वी आर जस्ट इन द आर्म्स लेंथ और हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं. एकदम से वेदर चेंज हो गया, गर्मी थी कितनी ना 36 थी, इतनी धूप थी, तो हम लोग एकदम आपके इधर बार बार मौसम बदलता है. हाँ बहुत, हमें यहाँ पे शाम में हमेशा यहाँ पे ठंडी होती है, ठंडी हवा चलती है. सुबह भी आप देखते हो 10-10 बजे तक ठंडी होती है, इंडिया में तो रात को भी गर्म हवा होती है. हाँ चला भी नहीं जाता, वॉकिंग करो तो इतना पसीना आता है, गुम्मा होता है, इतना ह्यूमिड ह्यूमिडिटी इतनी होती है. तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना. वक्त आ गया वीडियो को एंड करने का. और नेहा तो आजकल जो है बहुत ज्यादा बिजी है, आपको देखा ही आपने कि वो सारा दिन जो है बहुत ही अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम बिता रही है मम्मी पापा के साथ. अभी भी रात के 9 बज रहे हैं और मैं वीडियो की ना, नेहा दोपहर को वीडियो एडिट कर देती है तो मैं रात को सिर्फ रिफाइन थोड़ा सा करता हूँ. सारे खाना खाने के बाद गए हुए हैं घूम, वॉकिंग कर रहे हैं आफ्टर सपर और बाहर ही बैठे हुए हैं. बाहर वेदर बहुत अच्छा हो गया है, दिन में बहुत गर्मी थी. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. तो जी सैर सूट कराए हैं, अब मम्मी पापा को एक और इम्पोर्टेंट चीज खिलाने की तैयारी है जो मम्मी को बहुत पसंद है. वो है नानक की रसमलाई यहाँ पे जो भी मिलती है. तो मैं ना खूब सारे डब्बे ला के जिसने स्टॉक करे हुए हैं तो मैं हर रोज़ थोड़े थोड़े दिनों में निकाल के उनको ना डाल देती हूँ. तो अब यहाँ पे मम्मी पापा की पड़ी हुई है. आर्या कहती है मैं नानी को नीचे दे आती हूँ. तो आर्या कहती है मैंने नहीं खाना मम्मा, मीठा है रोज़ मैं नहीं खा रही. तो ये देने जा रही है नानी को. चलो आराम से जाना. आर्या का नानी के हाथ बहुत प्यार हो गया. यहाँ पे मूवी चल रही है आपकी और पापा की. मम्मी को रसमलाई बहुत पसंद है तो मैंने कहा याद से डाल दो. यहाँ की रसमलाई का स्वाद ही अलग. हाँ ये वाली बहुत अलग लेवल की गाढ़ी गाढ़ी होती है, ऐसा लगता है रबड़ी वाली है. जस्ट डक्ट बंद कर रहा है क्योंकि मम्मी पापा को इतनी ठंड लगती है. एसी चलता है ना ऊपर, एसी चलता है क्योंकि गर्मी होती है, नीचे कोल्ड स्टोरेज रहती है. हाँ नीचे कम्बल. हाँ यहाँ पे हीटर लगा दिया था. हाँ ये हाँ ये देखो ये खेलने का टाइम है, सोने का टाइम है. ओके जी गुड नाइट. गुड नाइट मम्मी. गुड नाइट. बाय मम्मी.